Hey dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square. हम आशा करते हैं कि आपका जो पेपर रिनियर अलजेब्रा का था वो बहुत अच्छा गया होगा और शायद से क्वेश्चन भी जो मैंने बताया हूँ उसी में से आया हो। और चलिए डिस्कस करते हैं अगले पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपका सेकंड पेपर रहेगा मैथमेटिक्स का रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन, जैसा कि आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आप पढ़ के जाए ही जाएँ, ओके। और आगे इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लर्न करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, एटलीस्ट इतने तो करके जरूर जाएँ, ओके। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन दिख रहा है तो उसे दबा के उसे ग्रे कर दीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है हमारा रीमन इंटीग्रल से है, जहाँ की ये आपको UPF इज लेस देन आर इक्वल्स, सॉरी LPF इज लेस देन आर इक्वल्स टू UPF प्रूफ करना है। सेकेंड, पार्टीशन में अगर रिफाइनमेंट कर देते हैं देन आपको ये दोनों कंडीशन प्रूफ करना है। इससे जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल पर अगर अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है उनको जाके आप देख भी सकते हैं, ओके। रीमन इंटीग्रल पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें केवल रीमन इंटीग्रल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस किया था मैंने। सेम इसी तरीके से आगे हम थर्ड यूनिट का भी, जिसमें मैट्रिक स्पेस है, उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। और यहाँ पे फिर से हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। अगला जो थ्योरम है वो ये है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये दो नंबर में आने के पूरे चांस है कि ये थ्योरम आपको दो नंबर में पूछ लिया जाए। उसके बाद जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपका छपने वाली थ्योरम है, ठीक है, ये छपेगा, ओके। UPF माइनस LPF रीमन इंटीग्रल का, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन को करें डिस्कस तो कंटिन्यूस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है वो, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कुछ लोगों को हिंदी मीडियम में चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, हिंदी मीडियम या आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास हिंदी मीडियम का कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिससे कि आपके लिए वीडियो बना पाएँ। तो आप लोग अगर थ्योरम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं इस थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इसके बाद मोनोटोनिक भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसके अलावा जो ये देखो, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन जो कि मीन वैल्यू थ्योरम है, इस ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है वो ये वाली है, FB माइनस FA, ओके। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया ये वाली थ्योरम के बारे में, और इसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार DAVB में पूछा जा चुका है। तो रीमन इंटीग्रल से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन जो सेकेंड चैप्टर है उसमें से शामिल करें, एटलीस्ट इनको जरूर देख के जाइएगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड यूनिट से आ जाएगा, कन्वर्जेंस चेक करना है, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस चेक करना है। अगला क्वेश्चन DX/√x² -1, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, sin² x/x² कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जामाइन, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस चेक करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी है, cos mx वाला, ओके, cos mx नहीं आया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते थे, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके अदर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा मैं। जैसे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपने जैसा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन जो है ये छपेगा आपकी एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इनको भी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और इसके आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, इनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, और लॉग वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगेन फिर से ये ऐसा cos mx वाला कर लिया हमने, ऐसे ही sin mx में भी cos नहीं पूछा जाता, sin पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में।
देन ये देखो दोनों में से एक तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ओके एक और ये अनदर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्ड चैप्टर आ जाएगा इसका इनटेक का गेज फंक्शन ऑफ पैरामीटर। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद अगला ये जो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके पूछे जाने की संभावना है और मैंने इनके साथ में कुछ ये दो क्वेश्चन और ऐड करे हैं कि बाई द चांस वो दो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो इनके आने के चांसेस रहेंगे। देन आगे फूरियर सीरीज में आते हैं तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इसलिए इनको ऐड किया है। आपको एटलीस्ट फूरियर सीरीज का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगेन जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको हो सकता है माइनस पाई टू पाई भी दे दें, डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। और एक ये क्वेश्चन नहीं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉड एक्स का और इसमें ये डिडक्शन भी आपको देंगे साथ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स कॉस एक्स का है जो माइनस पाई से पाई तक पता करना है आपको, फूरियर सीरीज आपको इसका एक्स का पता करना है। और फिर आ जाते हैं थर्ड यूनिट मैट्रिक स्पेस, इस पर ऑलरेडी वीडियो एक बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी देखने के लिए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने सेलेक्ट किए हैं, बाकी टॉपिक नहीं लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इनमें रिलेटेड। जो कुछ कुछ डेफिनेशन है वो आपको करना है, जैसे कि हम बात करें ओपन स्फीयर है, क्लोज स्फीयर है, लिमिट पॉइंट है, नेबरहुड है ना, इंटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ये सारे टर्म्स जो है डेफिनेशंस जो है इनको एटलीस्ट पढ़ के जरूर जाइएगा, चांसेस हैं कि दो नंबर में आपसे डेफिनेशन ही पूछ ली जाए। ओके क्वासी मेट्रिक है जैसे कि यहीं पे स्यूडो मेट्रिक स्पेस आ जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये छप सकता है आपके एग्जामिनेशन में। और अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट लेना इन दोनों क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, जैसे मैंने ये टिक लगा दिया, ओपन स्फीयर आपको डेफिनेशन करके रखना है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन करके रखना है और अगेन मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड ये जो कुछ थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिनके आने के पूरे चांसेस हैं इनको मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट में बता दिया है। ये सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइए। अगर ये जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो। आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन भी लर्न करना है आपको, ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, छप सकती है। आगे चलते हैं, इसका कन्वर्स भी पूछा जा सकता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है बाउंडेड वाला, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उसके अलावा आप कुछ करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा अगर आपको समझ में आ जाता है तो। और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पे, पक्का है ऐसा क्वेश्चन आपसे दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल की जगह पे आपसे एनालिटिक भी पूछ सकता है, बोल दे कि बताओ कि एनालिटिक है या नहीं है। ओके तो ये इसकी जगह पे आपसे यूँ पूछ सकता है कि बताओ ये एनालिटिक है या नहीं है, ये एनालिटिक है या नहीं है। तो अब आप जब बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, है ना, क्योंकि जो बुक में प्रूफ है वो थोड़ा अलग टाइप का है, मैंने जो मेरे लेक्चर में पढ़ाया है आप लोगों को उसमें शायद से पाथ लेके कराया है ना, अलग अलग पाथ की तो बताया है तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो प्लेलिस्ट पर जाके आप ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं, वैसे मैंने पूरा टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स का अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कॉसी रीमन इक्वेशन है, अगेन इसका जो प्रूफ बुक में है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ पर जाके वीडियो देख के उस इन इस थ्योरम का प्रूफ वहाँ से देख लें। अगला जो है जिसमें हार्मोनिक फंक्शन सॉरी आपको एनालिटिक फंक्शन पता करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको हार्मोनिक प्रूफ करना है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी एटलीस्ट आप देख के जाइएगा, है ना, चांसेस नहीं है इतने आने के कि ये पक्का है आएगा, लेकिन इसको देख के जाएगा, प्रूफ करते आना चाहिए आपको। हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा और अगला ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा,
ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद, एक दो बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, पावर सीरीज से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जरूरी नहीं सभी के सभी आ जाएं, बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस को ऐड कर लिए हैं। अब एटलीस्ट इतने क्वेश्चन का की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ओके, देन आ जाते हैं इंटीग्रेशन में। तो कॉसिस थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। कॉसी का इंटीग्रल फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कॉसिस का इंटीग्रल फार्मूला डेरिवेटिव्स के लिए है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इन तीनों थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हो सकता है हम क्वेश्चन आगे ऐड ना किए हों, तो आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, अब ऐसे ही क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना है। एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है मेरे हिसाब से, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे देखो, लॉरेंट और टेलर सीरीज दो हैं, इनका मैंने प्रूफ नहीं मेंशन किया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रूफ मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं करा है। लेकिन इनके बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगला ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके आगे सिंगुलरिटी में, सिंगुलरिटी के टाइप्स जितने भी हैं उनकी डेफिनेशन आपको विथ एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ओके, और एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में होने चाहिए। ध्यान से बिल्कुल इन क्वेश्चंस, अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा इनके सॉल्यूशन। फिर भी समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिलेटेड वीडियोस जो है उसके मिल जाएंगे। ओके, और इसके अलावा भी अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में आपको, आपके पास क्वेश्चन हैं उस पर प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, आपको उस टॉपिक पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर सिंगुलरिटी डिस्कस करनी है। आगे चलते हैं, फिफ्थ यूनिट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कॉसिस रेसिड्यू थ्योरम, एकदम रट लो, है ना। कोई सोते सोते भी पूछे तो आपको प्रूफ इसका याद होना चाहिए, इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, कॉसिस रेसिड्यू थ्योरम है। अब रेसिड्यू थ्योरम पता करने के लिए रेसिड्यूज जो हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करना है डिस्कस इस पर, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो ये आ जाता है कंटूर इंटीग्रेशन का। तो देखो, कंटूर इंटीग्रेशन आपको वहाँ पे वीडियोस में अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करा है, तो आप लोग ये अपने आप से पढ़ के देख लीजिएगा। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा आपका टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। आपको कम से कम इतने क्वेश्चन करके जाना है। ऑब्जेक्टिव आपको जो भी आपने सीरीज वगैरह ली हुई है उससे कर लो, या तो चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दिए हुए हैं वहाँ से कर लीजिएगा। ये इतने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ अच्छे खासे कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।